झांसी गहोई वेश्य सेवा मंडल द्वारा बड़ागांव गेट के बाहर लॉर्ड महाकालेश्वर इंटर कॉलेज में होली मिलन समारोह संपन्न हुआ। कॉलेज के सभी छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम रखकर कॉलेज के प्रधानाचार्य द्वारा सभी बच्चों को गिफ्ट भेंट किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर संदीप सरावगी ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया और कॉलेज के अध्यक्ष राम प्रकाश नोचेला और गहोई समाज के सभी गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने एक दूसरे को फूलों से होली खेल करके होली की शुभकामनाएं दी, एक दूसरे से गले मिले और गहोई समाज की सभी महिलाओं ने फूलों की होली में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। गहोई बेस्ट सेवा मंडल बाहर बड़ा गाँव गेट का कार्यक्रम है। यहाँ के जो हमारे प्रतिभाशाली बच्चे हैं गहोई समाज के, उन्होंने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। ये महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हमने प्रोग्राम चालू किया है, जिससे महिलाएं अपनी प्रतिभा दिखाएं और समाज में आगे बढ़े। उनकी जो एजिटेशन है, जो झिझक है, वो छूटे और एक स्टेज दिया है उनको अपनी प्रतिभा निखारने के लिए। ये हमारा प्रयास है गहोई सेवा मंडल का। सभी पत्रकार बंधुओं को, हमारे बुंदेलखंडवासी और झांसी वासियों को सब प्रथम होली की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। और इस समय हम लोग लॉर्ड महाकालेश्वर स्कूल में खड़े हुए हैं। हमारे विशाल भैया जो है आगे प्रिंसिपल हैं, इनके सान्निध्य में गहोई जो हमारी समिति है बड़े गाँव दरवज्जे बाहर, वहाँ के सारे लोग, गहोई समाज के लोग, सपरिवार, हमारे अध्यक्ष जी, हमारे पंच साहब, हमारे पार्षद जी, सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और साफ परिवार हम लोग गहोई बेस्ट समाज की एक रंगारंग कार्यक्रम जिसमें बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और सारे लोग एक साथ मिलजुल कर रहे हैं, हम लोग एक दूसरे को प्यार बांट सकें, इसके लिए आज है शुभकामनाएं एक दूसरे के लिए दी जा रही है। यहाँ पर बड़े गाँव गेट बाहर लॉर्ड महाकालेश्वर स्कूल में बड़े गाँव सेवा समिति की ओर से होली मिलन समारोह का कार्यक्रम है। लगभग कितने वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है? हमारे यहाँ कम से 15 वर्षों से कार्यक्रम चल रहा है। क्या कहना रहेगा आज के कार्यक्रम के लिए? हम तो सभी को होली की शुभकामनाएं देंगे, यहाँ के समाज के सभी को देंगे, हमारे साथ ही पंचायत के जो सदस्य हैं उनको भी, जो नहीं आए उनको भी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट।